महंगे खाने के तेल की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने कुछ अहम कदम उठाए हैं, आइए जानते हैं। मोदी सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल किया। इसके मुताबिक आने वाले दिनों में भारत पाम ऑयल के आयात पर अपनी निर्भरता कम करने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर भारत और अंडमान निकोबार में पाम ऑयल की खेती और प्रोसेसिंग पर जोर देगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर देश को आगे बढ़ाने की सफलतम कोशिश मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है और जिसका फल भी मिलने लगा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुवाहाटी में कहा कि पूर्वोत्तर के विशाल संभावित क्षेत्र का उपयोग करने और ऑयल पाम के लिए आयात निर्भरता कम करने हेतु प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व उनकी दूरदृष्टि के तहत केंद्र सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम को मंजूरी दी है। यह मिशन न केवल ऑयल पाम का उत्पादन बढ़ाने व आयात घटाने के लिहाज से बल्कि रोजगार की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ निवेश आने से इस पूरे क्षेत्र में काफ़ी रोजगार सृजित होंगे व इसी के साथ क्षेत्र का चहुंमुखी विकास भी संभव होगा, जिसके लिए केंद्र सरकार दृढ़ संकल्प है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में 28 लाख हेक्टेयर का क्षेत्रफल पाम तेल की खेती के लिए उपयुक्त है, जिसमें से लगभग 9.62 लाख हेक्टेयर अकेले पूर्वोत्तर में उपलब्ध है। यह मिशन किसानों को लाभकारी कीमतों के लिए आश्वस्त भी करता है। जरूरत पड़ने पर वायबिलिटी गैप पेमेंट DBT के जरिए किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। किसान बिना किसी चिंता के ज्यादा से ज्यादा खेती करते हुए मिशन का लाभ लें, यहाँ उद्योग लगाएं, जिसके लिए वातावरण बनाने में किसानों का भी योगदान होना चाहिए। तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि खाद्यान्न की तरह ही हमारा देश हर चीज में आत्मनिर्भर होना चाहिए और निर्यात बढ़ना चाहिए। हमारे देश की अधिकांश आबादी गांवों में रहती है और बड़ी संख्या में लोग खेतों में मजदूरी करते हैं। इनकी जेब में पैसा होगा तो देश के बाजार भी गुलजार रहेंगे। इसीलिए उद्यमी व अन्य लोग जो भी काम करें उसके केंद्र में किसान व गरीब होना चाहिए। इन वर्गों तक ज्यादा से ज्यादा पैसा पहुंचे, ऐसा सभी का उद्देश्य होना चाहिए। इस बिजनेस समिट में सभी संबंधित हितधारक शामिल हैं और इस प्लेटफॉर्म पर मिशन के विभिन्न घटकों और आगे की राह पर विस्तार से विचार विमर्श होगा। राज्यों व आप सब के सहयोग से मिशन की सफलता हासिल की जा सकती है। उम्मीद है कि शिखर सम्मेलन से मिशन की तीव्र प्रगति संभव हो सकेगी, ऐसा केंद्रीय मंत्री तोमर सिंह ने कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।